कर दीजिए। इस प्रकार का अगर आप देश में माहौल बनाएंगे तो भीम आर्मी आपके विरोध में खड़ी होगी। कि आप लोग इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के पेट पे लात नहीं मारे, मजबूरी करते हैं, कितने लोग हैं उनमें से अधिकतर ऑटो वाले तो रोड से लेकर ऑटो चला रहे, जिनके अभी तक रोड भी नहीं खुले। आप पे प्रशासन के द्वारा 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, महू में ऑटो चालकों पर प्रशासन की तानाशाही देखने को मिली। आपको बता दें कि महू में साई मंदिर के आसपास सारी ऑटो रुकती है, जहां से रेलवे और बस स्टैंड लगा हुआ है। रिक्शा चालक पिछले कई वर्षों से वहां अपनी रिक्शा खड़ी करते आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले प्रशासन ने वहीं से कुछ ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया। उनका कहना था कि आप यहां पर ऑटो रिक्शा खड़ी नहीं कर सकते, जिसको लेकर रिक्शा चालक प्रशासन से पिछले 3 दिनों से काफी नाराज चल रहे हैं। इसको देखते हुए आज समस्त ऑटो यूनियन तथा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कैंटोनमेंट अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और ऑटो चालकों की परेशानी को जल्द से जल्द सुलझाने की बात कही, जिसमें भीम आर्मी इंदौर जिला अध्यक्ष विशाल मुकेश करोसिया, महू विधानसभा अध्यक्ष सिद्धार्थ गुरु चौहान, भीम आर्मी इंदौर जिला प्रवक्ता एडवोकेट अहमद दरबारी, इरफान खान, नाजिल खान, असद खान, नौशाद, गुड्डू, पंकज, शरीफ, अमित बम, बच्चा, आकाश बम, रफी तथा अन्य कई लोग उपस्थित रहे। सर आपका नाम? अहमद दरबारी। सर क्या समस्या है आपकी जो यहाँ पर आप इतनी भारी तादाद के साथ शामिल हुए? समस्या ये है कि एक दशक से चक्की वाले महादेव के पास में पहले घोड़ा स्टैंड, घोड़ा गाड़ी स्टैंड हुआ करता था, तांगा स्टैंड, उसके बाद में वहाँ पे टेम्पो स्टैंड बना और टेम्पो स्टैंड के बाद में अब रिक्शा स्टैंड है। वहाँ पे कुछ मनुवादी सोच के लोग और जिनकी मानसिकता के अंदर स्थिरता नहीं है, ऐसे लोग थाने पे प्रशासन के पास जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो लोग वहाँ पे लड़कियाँ या किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं। तो छेड़छाड़ के विषय के अंदर मैं मध्य प्रदेश शासन पुलिस महू से ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी ऐसी कंप्लेन उनको प्राप्त नहीं हुई और इनके ऊपर खाली एक तंज किया गया, क्योंकि वहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं 5 से 10 वो भी खड़े होते हैं और सभी भाई मिल के, क्योंकि वहाँ पे नहीं करके 15 से 20 स्टैंड रिक्शा खड़े होते हैं जिसमें सभी मिक्स लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम तहजीब को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो लोगों को मैं इस बात से चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से शासन प्रशासन को गुमराह करना छोड़ दें, जिससे इनका स्टैंड वहाँ से हटा दिया गया और हटाने के बाद में थाने पे करीबन नहीं करके 12 से 13 गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई अभी परसों के रोज़, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा गाड़ियों को छुड़वाया गया SDM साहब और एडिशनल SP साहब से बात करके। मेरा ये कहना है और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो मनुवादी सोच रखते हैं और गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कि आप लोग इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के पेट पे लात नहीं मारें, क्योंकि इनके साथ में सभी लोग हैं जो अपने परिवार को सुचारू रूप से चला रहे हैं और 2 पैसे कमा के वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी यही बात कहते हैं और आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी ये बोलते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित करो। अगर ये लोग रिक्शा चला के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, नहीं आपराधिक कृत्य के लोग हैं, ये सामाजिक लोग हैं, समाज में हर एक बहन बेटी को अपने घर तक बेइज्जत पहुँचाने का काम ये लोग करते हैं, बेइज्जत नहीं बोल रहा हूँ, बेइज्जत। तो ऐसे लोग ये समझ जाएँ कि यदि आज भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी इन रिक्शा चालकों के लिए आगे खड़ी हुई है और ऐसे मनुवादी सोच के लोग इस तरीके से यदि अगर महू के अंदर अराजकता का माहौल फैलाएंगे तो हम फैलाने नहीं देंगे। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी मैदान में है और रिक्शा चालकों के सम्मान में आजाद समाज और भीम आर्मी पार्टी जो है वो मैदान में है, तो हम इनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ जो प्रशासन को गलत जानकारियाँ देते हैं, आप प्रशासन को सही जानकारी दो, भ्रामक जानकारियाँ देने से बचो। सर प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है कि कब तक इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? प्रशासन की ओर से अभी हम छावनी बोर्ड अधिशासी अधिकारी के पास में आए थे, उनके प्रतिनिधि मंडल के द्वारा हमसे ये बात की गई है कि अस्थायी रूप से जो वहाँ पे एक जगह पड़ी है RC जाल, जो एक बंगला है उसमें जाने के लिए वो पूरा बंद कर दिया गया है कैंटोनमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा लेवल करके JCB के द्वारा इन लोगों की रिक्शा वहाँ लगवाई जाएंगी। और मैं पुलिस प्रशासन को इस बाइट और इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहने देना चाहता हूँ कि गरीब लोगों को छेड़ना मत आप लोग और अपराधियों को छोड़ना मत, क्योंकि हमने ये देखा है पुलिस प्रशासन ने अभी कार्रवाई करी 7 रास्ते पे,
उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की गाड़ियां और बस चल रही हैं, तो उन्होंने एक रत्ती करा था जो ASI हैं यादव ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, उनको धक्का मुक्की करी थी, वो 353 थी। तो पुलिस प्रशासन ने उनकी बात को सहन करते हुए रिक्शा चालकों पर ओंधी कार्रवाई आपने करी। तो मेरा ये कहना है कि आप अपराधियों को छोड़ो मत और बेगुनाह को अंदर करो मत। तो यदि अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कमाने का अधिकार दिया है ना, तो इनके लिए हम सड़कों पे उतर सकते हैं और कहीं ना कहीं चक्का जाम भी कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन ये समझ जाए कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भीम आर्मी इंदौर परिवार की ओर से उन लोगों को यह संदेश है जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसके अंदर कोई हिंदू और कोई मुस्लिम नहीं है, सभी भारतीय हैं और सभी भारतीयों के रूप में काम कर रहे हैं। ये भाईजान हैं, ये बबलू भैया हैं, ये पंकज भैया हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों ने दर्शाने की कोशिश की है। तो ये सब भाईचारे के रूप में यहाँ पर काम करते हैं और इस प्रकार की घृणा फैलाना, आप लोग जो काम कर रहे हो इस प्रकार की घृणा फैलाना बंद कर दीजिए, देश का माहौल ख़राब करना बंद कर दीजिए। इस प्रकार का अगर आप देश में माहौल बनाएंगे तो भीम आर्मी आपके विरोध में खड़ी होगी। ये संदेश मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी के बीच में एक महिला भी मुझे दिख रही है, मैं महिला से भी बात करना चाहूँगा कि मैम इस सब समस्या को लेकर आपका क्या विचार रखते हैं आप? सर, मेरा ये कहना है कि अभी कुछ टाइम पहले एक बार एक ऑटो चालक को रोका गया था। उसको रोकने का रीज़न ये था कि उससे कहा जा रहा था कि किसी महिला को लेकर जाए, वो महिला को कम पैसों में ले जाने को तैयार था, लेकिन पुलिस ने फिर भी जबरदस्ती उसको रोका। तो इस तरह से बिना पैसों के भी ये लोग ले जाते हैं। तो आज तक किसी तरह की कोई कंप्लेंट तो की नहीं गई। अगर कहते हैं महिलाओं को छेड़ा जाता है, अगर महिलाओं को छेड़ा गया तो आज तक कोई कंप्लेंट की हो तो बताएं, किसी एक व्यक्ति ने छेड़ा होगा, दो ने छेड़ा होगा, ये सारे के सारे ऑटो वाले ने तो नहीं छेड़ा होगा। ऐसी कंडीशन में आप एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दो के खिलाफ, आप सारे ऑटो वालों को कहाँ से कैसे हटा सकते हैं? और सीधा सा शब्द बोलते हुए कि मुस्लिम संप्रदाय का यहाँ क्या काम, ये क्या तरीका है बोलने का? तो मैम आप ये मानते हैं कि ऐसा किसी भी ऑटो चालक के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन सभी के द्वारा ऐसा किया गया ये आप नहीं मानते कि महिलाओं को छेड़ा गया है? हो सकता है ऐसा कोई करता हो या किसी ने कभी किया हो, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ ना, तो अभी किस बात पे इनको हटाया गया वहाँ से, ये रीज़न बताया जाना अनिवार्य है। अगर कुछ हुआ था तो कोई कंप्लेन होनी थी, कोई कंप्लेन होती तो उसकी कोई कॉपी होती, कुछ भी नहीं है। बेवजह का आरोप लगाया गया और बेवजह इन मासूम लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि ये सारे के सारे लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से अधिकतर ऑटो वाले तो लोन से लेकर ऑटो चला रहे, जिनके अभी तक लोन भी नहीं भरे गए। 3 दिन से इनका ऑटो बंद है, ऐसी कंडीशन में घर का क्या करेंगे, कैसे इनके लोन भरे जाएंगे, कहाँ जाएंगे लोग? हमारे साथ बहुत सारे ऑटो चालक भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं एक किसी ऑटो चालक से उनकी व्यथा खुद उनके जुबानी सुनना चाहूँगा। तो जी सर, आपका नाम? पंकज अंतर्वेदी जी। आप बताइए अपनी व्यथा की, कैसा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या आपके साथ किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? सर, अभी 3 दिन पहले हमारे ऑटो स्टैंड पे से उठा के पुलिस ले गई। क्या कारण था कि वो आपके ऑटो उठा के लेके गए? बस कुछ नहीं, ऐसे ही खड़े हुए थे, ऑटो आए बोले कि आप विवादित बयान हुआ है और आपके खिलाफ कंप्लेन है। स्टैंड पे से गाड़ी उठा के खुद ही ले गए धक्का मार के, वो और कुछ भी नहीं हो पाए हम। तो उनके पास जाके पूछा तो बोले चालान कर लगेगा, 10,000 रुपये का दंड लगा था हम पे। भाई साहब बड़े भाई साहब ने उसको बहुत प्रशासन की ओर से मतलब बातचीत करके उसको कम करा के 1,000 रुपये में दंड लगाया है। आप पे प्रशासन के द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था? लगाया गया था बोले भैया ने उसको 1,000 रुपये करवा के बड़ी मुश्किल से छुड़ा है। 3 दिन से हमारे मतलब ऑटो बंद है और इस विषय में हम कैंटोनमेंट में आए हैं, हमारे स्थाई स्टैंड के लिए। तो अभी प्रशासन ने जैसा आपको आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, तो आप प्रशासन की बात से कितना सहमत है? ये प्रशासन ने अभी आश्वासन दिया है उससे हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। ठीक है सर, धन्यवाद।